तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल HP सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों मैं हिमांश, क्लियर APS क्लर्क एग्जाम एंड सेलेक्टेड इन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आज अपन HP क्लर्क मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ मैं, तो वीडियो पूरी देखना दोस्तों। अभी तक अगर आपने दूसरी वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना, बजट प्लस जून के करंट अफेयर। और दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी क्योंकि इस बैंकिंग के जो क्वेश्चन होते हैं ना, बैंकिंग वाला पार्ट बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। बट दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है ये पूरी वीडियो जरूर देख के चले जाना, क्योंकि बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि बैंकिंग का अगर अपन थोड़ा थोड़ा भी पढ़ के जाते हैं तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मुझे जो जो इंपॉर्टेंट लगा, जो क्वेश्चन बन सकते हैं और जो मैं पढ़ के जाता था, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो वीडियो पूरी देखना और कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो बैंकिंग के क्वेश्चन है ये स्टैटिक वाले है ना, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं बैंकिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला टॉपिक है ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन तो बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या है, ये क्या है? इट इज़ ए ग्रीवियंस व्यंस रिड्रेस मशीनरी ऑफ RBI, ऑफ RBI। ओम्बड्समैन 24/7 होता है, ठीक है। अब अगला है इसके अंदर ही चलते हैं अपन। जो ये बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है, ये कब आई थी? बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम ये कब नोटिफाई की गई RBI के द्वारा? सबसे पहले ये की है 1995, याद रखना है, ठीक है। इन 1995 सेक्शन कौन सा था? सेक्शन भी याद रखना, अंडर सेक्शन 35 है, 35A, सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम आई कब थी? 1995 में। कौन से सेक्शन के अंदर? 35A के अंदर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। अब IPS क्लर्क के मेंस के अंदर 2020 के अंदर क्या क्वेश्चन बना? ये क्वेश्चन बना कि टोटल ऑफिसेज ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन, बैंकिंग ओम्बड्समैन के टोटल ऑफिस कितने हैं, ये क्वेश्चन बना है। तो टोटल ऑफिस कितने हैं इसके? 22, याद रखना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब होता क्या है, जो तीन टाइप के बैंकिंग ओम्बड्समैन हैं, तीन टोटल, थ्री ओम्बड्समैन स्कीम, ओम्बड्समैन बैंकिंग लोकपाल, बैंकिंग लोकपाल बोलते हैं स्कीम, ठीक है। एक तो है बैंकिंग ओम्बड्समैन, ओम्बड्समैन, ठीक है। सेकंड है ओम्बड्समैन फॉर NBFC, NBFC के लिए भी है। थर्ड है ओम्बड्समैन फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन, डिजिटल ट्रांजेक्शन। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है। और पहले बोला गया था, लास्ट ईयर कोई मीटिंग हुई थी उसके अंदर बोला गया था कि इन तीनों को मर्ज कर रहे हैं आप, ऑल मर्ज। तो उसकी डेट क्या है, कितनी डेट से मर्ज होंगे? फ्रॉम जून 2021, याद रखना, जून 2021 से इनको मर्ज करने की बोला है, ठीक है। अब है दोस्तों एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है, हाँ, जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है उसके अंदर मैक्सिमम कंपनसेशन कितना मिलता है? बैंकिंग ओम्बड्समैन के अंदर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मैक्सिमम कंपनसेशन, मैक्सिमम कंपनसेशन 20 लाख का, और इन केस ऑफ मेंटल हरेसमेंट, इन केस ऑफ मेंटल हरेसमेंट 1 लाख का। ये केवल बैंकिंग ओम्बड्समैन का है दोनों ही, ठीक है। अब चलते हैं अपन NBFC ओम्बड्समैन पे, ठीक है। NBFC ओम्बड्समैन OB, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ, कौन से सेक्शन के अंडर रहा है, ठीक है। ये आया अंडर सेक्शन 45 वाला, वो था 35A, ये था 45 वाला ऑफ RBI Act 1934, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन, जैसे बैंकिंग ओम्बड्समैन के टोटल ऑफिस थे 22, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है एनबीएफसी ओम्बड्समैन के टोटल ऑफिस कितने हैं। टोटल ऑफिस 4 है, 4 याद रखना। कहाँ कहाँ है? चेन्नई, जगह भी याद ही रखना आप, चेन्नई, कोलकाता, न्यू दिल्ली, मुंबई, न्यू दिल्ली, मुंबई। तो याद कर लेना, सीके नायडू क्रिकेटर थे एंड मुंबई से थे, CKNM। ठीक है, आगे। ठीक है, अगला है, बैंक मैक्सिमम कंपनसेशन कितना मिलता है एनबीएफसी ओम्बड्समैन में। कंपनसेशन इन एनबीएफसी ओम्बड्समैन, ठीक है, मैक्सिमम कंपनसेशन इसमें 10 लाख है, और बैंकिंग ओम्बड्समैन में मैक्सिमम कंपनसेशन 20 लाख का है, ठीक है, प्लस इनके अंदर एनबीएफसी ओम्बड्समैन के अंदर जो इन केस ऑफ मेंटल हरासमेंट एडिशनल कंपनसेशन, वो भी एडिशनल मेंटल हरासमेंट, तो वो 1 लाख का। बैंकिंग ओम्बड्समैन और एनबीएफसी में जो मेंटल हरासमेंट का एडिशनल जो है ना, एडिशनल कंपनसेशन एक्स्ट्रा मिलता है, ये एडिशनल कंपनसेशन, वो है 1 लाख। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ? ये टॉपिक ओम्बड्समैन वाला क्लियर हो गया, इससे जो जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने बता दिए। अब चलते हैं अपन मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, तो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के टोटल मेंबर कितने हैं। मेंबर 6, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन ये पूछा सक सकता है कि इनका टेन्यूर कितना होता है, 4 ईयर का, और ये वन टाइम अपॉइंटमेंट ही होती है, मतलब एक बार ही किसी कोई पर्सन बनेगा तो एक बार ही बनेगा लाइफ में, वापस रीअपॉइंट नहीं होगा कभी भी। 3 RBI से आते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते हैं। 3 RBI से आते हैं, उनका नाम क्या क्या है, शक्तिकांत दास, ठीक है, माइकल डी पात्रा, मृदुल के सक्कर, एम के सुगर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आशिमा शशांक भिड़े, आशिमा गोयल, शशांक भिड़े और जयंत आर वर्मा वर्मा, ठीक है। ये मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी हो गई। अगला चलते हैं अपन, अगला किससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, अब एक सेकंड रुकना, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है दोस्तों, CRR की फुल फॉर्म, ये तो आपको पता ही है, कैश रिजर्व रेशो, बट एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि CRR किसके पास रहता है और किस फॉर्म में रहता है। CRR दोस्तों RBI अपने पास रखता है और इन कैश के फॉर्म में रखता है, इन कैश, ठीक है। और CRR कौन से सेक्शन के अंडर, ये सेक्शन 42(1) ऑफ RBI एक्ट 1934। और अब एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, जो बैंकिंग ओम्बड्समैन था वो कौन से सेक्शन 35 है प्लस RBI एक्ट 1949, और NBFC वाला 45(L) और RBI एक्ट 1934, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं अपन, फर्स्ट RRB का नाम क्या है दोस्तों, जो फर्स्ट RRB कब सेटअप की गई, ठीक है, सेटअप की डेट याद रखना, क्योंकि ये अपने एग्ज़ाम के आसपास, ये 2 अक्टूबर 1975, ठीक है। फर्स्ट RRB का नाम क्या है, फर्स्ट RRB का नेम याद रखना, प्रथमा बैंक, पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, प्रथमा बैंक। ये वीडियो जरूर देखना दोस्तों, थोड़ी सी बड़ी रहेगी बट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। प्लस PSL का टारगेट कितना है, PSL का टारगेट, तो ये सबका ही मैं बता रहा हूँ, RRB के लिए 75% प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के अंदर टारगेट कितना है, RRB का 75%, 75 शेड्यूल कमर्शियल बैंक का, 40% स्मॉल फाइनेंस बैंक का, 75% अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का, 75 सबका 75 है, बस शेड्यूल कमर्शियल बैंक का 40% है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। इसको दो पार्ट में कर लेंगे, पार्ट वन अभी कर लेंगे, पार्ट टू अलग से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, इम्पीरियल बैंक,
SBI का नाम पहले इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है, रीनेम्ड किया गया इम्पीरियल बैंक को, रीनेम्ड इन कौन से ईयर में किया गया, 1955 में SBI किया है एज SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? अगली फुल फॉर्म पूछी जा सकती है RFID, RFID रेडियो फास्टैग है ना, फास्टैग वो इस पे काम करता है, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड ये स्कीम 1998 में ही, ठीक है, प्लस नाबार्ड के द्वारा, नाबार्ड की है ये, और ये KCC स्टार्ट की भाई इंडियन बैंक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है RBI मैक्सिमम कितने तक का नोट इशू कर सकता है, RBI मैक्सिमम नोट वो 10,000 का नोट इशू कर सकता है RBI। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कमर्शियल पेपर, पर इशूड इन जो कमर्शियल पेपर इशू किए जाते हैं, इशू कितने के डिनोमिनेशन में, इशू इन डिनोमिनेशन ऑफ ये 5 लाख के डिनोमिनेशन में कमर्शियल पेपर इशू किए जाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? RIDF अपन ने पढ़ लिया, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड अबार्ड के द्वारा, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला है MMID, MMID की फुल फॉर्म MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ठीक है, ये कितने डिजिट का कोड होता है, ये 7 डिजिट का कोड होता है। अगला क्वेश्चन है फुल, एक और फुल फॉर्म याद रखना CAR, फुल फॉर्म बोल सकते हैं कैश एडिक्वेसी रेशियो, एडिक्वेसी रेशियो। एक और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन सकता है, वो है गिल्ट एज्ड मार्केट, गिल्ट एज्ड मार्केट इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन में दे सकते हैं गिल्ट एज मार्केट मीन्स मार्केट ऑफ, ये किसका मार्केट है, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का मार्केट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ गिल्ट एज मार्केट, गवर्नमेंट मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो बन सकता है इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक उसका नाम क्या है, वो है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जालंधर इसका हेड क्वार्टर है, इम्पोर्टेंट है याद रखना। प्लस स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 200 करोड़, और मान लो कोई भी एंटिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होना चाहती है तो मिनिमम टाइम है ना उसको 10 साल का लगेगा, ठीक है, 10 साल चाहिए। और फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का नाम भी याद रखना अनन्य, अनन्य कोऑपरेटिव बैंक, और कोऑपरेटिव बैंक को अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होना है इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होना है तो उसका कितना होना चाहिए, उसकी कैपिटल 100 करोड़ होनी चाहिए, प्लस इसका टाइम कितना है, 5 साल, 5 ईयर। बट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को स्टार्ट में तो 100 करोड़ होनी चाहिए, बट इन नेक्स्ट 5 ईयर, इन नेक्स्ट 5 ईयर इसकी कैपिटल होनी चाहिए फिर 200 करोड़। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया? एक ये याद रखना, फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो रहा है उसका नाम क्या है, शिवालिक मर्केंटाइल, लास्ट ईयर कन्वर्ट हुआ था मर्केंटाइल, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सहारनपुर यूपी के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुद्रा, ये मैंने बता दिया, मुद्रा स्कीम जो मैनेज की जाती है, मैनेज्ड बाय SIDBI, SIDBI का हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ के अंदर। फिर है अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना मैनेज्ड बाय ये PFRDA है, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन और क्या बन सकता है, हाँ ATM से, जैसे आपको पूछा कि वाइट लेवल ATM क्या होता है,
तो ये होते हैं एटीएम सेटअप या ऑन एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक, उनको बोलते हैं वाइट लेबल। ठीक है, वाइट का बाद है, वाइट के बाद ब्राउन लेवल। ब्राउन लेवल एटीएम होता है एटीएम ओन्ड बाय थर्ड पार्टी, और एक है ग्रीन लेवल एटीएम। ग्रीन लेवल एटीएम ये होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर। ये पार्ट वन कर लिया, पार्ट टू भी जल्दी अपलोड करता हूँ। ठीक।